हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सी जी पी एस सी वर्ल्ड की इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति के अंतर्गत पर्व तथा महोत्सव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों में विगत वर्षों में पूछे जा रहे प्रश्न भी शामिल है। दोस्तों, लोक कला संस्कृति से संबंधित अन्य टॉपिक्स के एमसीक्यू के लिए आप इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, छत्तीसगढ़ के नाग साम्राज्य के सदस्य राजा रामचंद्र ने रायपुर के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की, जहां अभी भी प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को क्या कहा जाता है? ए भोरमदेव महोत्सव, बी पृथ्वी महोत्सव, सी बस्तर दशहरा और डी बस्तर लोकोत्सव। छत्तीसगढ़ में नागवंशी राजा गोपाल देव के द्वारा सन 1089 ईस्वी में कवर्धा में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस भोरमदेव मंदिर में प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव महोत्सव। दोस्तों, ये प्रश्न 13 जनवरी 2022 को आयोजित सीएसपीआईसीएल की परीक्षा में पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेलों को उनके माह से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ मेला दिया है, दूसरे तरफ उनके आयोजित होने वाले माह को सुमेलित करना है। ए में है चंपारण मेला। चंपारण मेला का आयोजन माघ माह में किया जाता है, इसीलिए ए का सही आंसर आ जाएगा तीन। बी में है सिरपुर मेला। सिरपुर मेला का आयोजन बैसाख माह में किया जाता है, बी का आ जाएगा एक। सी में है महाशिवरात्रि का मेला। महाशिवरात्रि का मेला फागुन माह में लगता है, इसीलिए सी का आ जाएगा चार। डी में है जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी भाद्र माह में आता है, इसीलिए जन्माष्टमी मेले का आयोजन भाद्र पक्ष में किया जाता है, डी का आ जाएगा दो। इसका सही आंसर आ जाएगा 3142। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक तीन है, चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? ए दुर्ग में, बी धमतरी में, सी रायपुर में और डी महासमुंद में। चंपारण छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष चंपारण मेले का आयोजन किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। प्रश्न क्रमांक चार है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार नागराजा के महाराजा रामचंद्र द्वारा स्थापित मंदिर में मनाया जाता है? ए भोरमदेव त्योहार, बी बस्तर दशहरा, सी बस्तर लोकोत्सव और डी मड़ई उत्सव। दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव त्योहार, जहां भोरमदेव मंदिर नागवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित है, जहां प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। बस्तर दशहरा की बात करें तो बस्तर दशहरा बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित की जाती है। कोरबा जिले में मड़वा रानी मंदिर निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान एक वार्षिक मेले का आयोजन करता है? ए दशहरा, बी नवरात्रि, सी जन्माष्टमी और डी काली पूजा। कोरबा जिले में स्थित मड़वा रानी मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान एक वार्षिक मेले का आयोजन कराया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर महोत्सव हर साल छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए बालोद में, बी बीजापुर में, सी बिलासपुर में और डी बलौदाबाजार में। रतनपुर बिलासपुर जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर रतनपुर महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? ए मुचकुंद ऋषि, बी लोमस ऋषि, सी अगस्त ऋषि और डी श्रृंगी ऋषि। दोस्तों, महानदी का नामकरण श्रृंगी ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर किया था। महानदी के उद्गम स्थल के पास ही श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के मेले का आयोजन किया जाता है। इस माघ पूर्णिमा के मेले का नामकरण श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही किया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगी ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता? ए में दिया चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह राजा चक्रधर की स्मृति में प्रतिवर्ष रायगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। बी में है सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव सिरपुर जिला महासमुंद में आयोजित किया जाता है। सी में है राजिम कुंभ। राजिम कुंभ राजिम गरियाबंद में आयोजित किया जाता है। तथा डी में है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला छत्तीसगढ़ में आयोजित नहीं किया जाता,
इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरजकुंड मेला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्व छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है? ए रोंगाली बिहू, बी सरक्का महोत्सव, सी बस्तर लोकोत्सव और डी लेपाक्षी उत्सव। ए में दिया है रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू की बात करें तो ये असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। बी में है सरक्का महोत्सव। सरक्का महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। सी में है बस्तर लोकोत्सव। बस्तर लोकोत्सव जिला बस्तर में मनाया जाता है। तथा डी में है लेपाक्षी उत्सव। लेपाक्षी उत्सव जिला अनंतपुर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें से छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक पर्व है बस्तर लोकोत्सव। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ढोलकत महोत्सव 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ए नारायणपुर, बी फरसपाल, सी दंतेवाड़ा और डी गीदम। परशुराम ढोलकत महोत्सव 2022 का आयोजन फरसपाल में किया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरसपाल। निम्नलिखित में से कौन सा मेला माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है? ए रामदेवरा का मेला, बी त्वांग मेला, सी बिठिया मेला और डी आठवीसा का मेला। दोस्तों आठवीसा का मेला प्रतिवर्ष माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आठवीसा मेला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? ए पौष में, बी माघ में, सी भादो में और डी फागुन में। पौष माह शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रतिवर्ष बड़े भजन के रामनवमी मेले का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौष। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब मनाया गया? ए में दिया जगदलपुर 20 नवंबर, बी सरगुजा 21 जनवरी, सी सोनाखान 10 दिसंबर और डी बस्तर 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव का आयोजन सोनाखान में 10 दिसंबर को मनाया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनाखान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल ग्यारस किस माह में मनाया जाता है? ए भादो में, बी सावन में, सी कुमार में और डी कार्तिक में। ढोल ग्यारस पर्व भादो महीने में मनाया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भादो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेले तथा उनकी तिथियों को सुमेलित करना है। अमित है राजीव मेला। राजीव में माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आएगा माघ पूर्णिमा। अ का आ जाएगा 4। ब में है महादेव घाट का मेला। महादेव घाट में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले आयोजित की जाती है। ब का आ जाएगा 1। स में है डभरा मेला। डभरा में रामनवमी के अवसर पर मेले की आयोजन किया जाता है, इसीलिए स का आ जाएगा 2। तथा द में है कुर्री घाट का मेला। कुर्री घाट में बसंत पंचमी के अवसर पर मेला लगता है, इसीलिए द का आ जाएगा 3। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। पहला भोरमदेव उत्सव, दूसरा नकपुरा उत्सव, तीसरा सिरपुर उत्सव और चौथा बारसूर उत्सव। पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा विभिन्न उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शामिल है कवर्धा में आयोजित होने वाला भोरमदेव उत्सव और दूसरा सिरपुर महासमुंद में आयोजित होने वाला सिरपुर उत्सव। इसका सही आंसर आ जाएगा 1 व 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव मेले का समापन कब होता है? ए रामनवमी के अवसर पर, बी अक्षय तृतीया पर, सी महाशिवरात्रि पर और टी कार्तिक पूर्णिमा पर। राजीव मेले का समापन महाशिवरात्रि के अवसर पर होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाशिवरात्रि। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की खेलकूद और त्यौहार सुमेलित है? ए में दी है फुगड़ी और हलेली, बी में कुश्ती और नागपंचमी, सी में बैलगाड़ी दौड़ और छेरछेरा और डी में रस्सा खींच और अख्ती। कुश्ती नागपंचमी पर्व के अवसर पर आयोजित की जाती है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
बैलगाड़ी दौड़ की बात करें तो ये छेरछेरा के अवसर पर नहीं बल्कि पोला पर्व के अवसर पर आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मेले व उसकी तिथि सुमेलित नहीं है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले मेले तथा उनके आयोजित होने वाली तिथि तथा स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विगत वर्षों में परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ए में दिया है गिरौदपुरी का मेला फागुन पूर्णिमा। गिरौदपुरी मेले का आयोजन फागुन पूर्णिमा में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा। महादेव घाट मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। सी में है शिवरी नारायण मेला आषाढ़। शिवरी नारायण मेले का आयोजन आषाढ़ माह में नहीं किया जाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी में है राजिम मेला माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजिम में मेले का आयोजन किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादो मास में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्यौहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती है। ए गौरा गौरी, बी तीजा, सी छेरछेरा और डी हरेली। दोस्तों, तीजा पर्व के अवसर पर विवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर उपवास रखती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीजा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मेला उत्सव तथा स्थान सुमेलित नहीं है। ए दशहरा उत्सव जगदलपुर, बी कुंभ मेला राजिम, सी लाखाचौर सिरपुर और डी खल्लारी उत्सव महासमुंद। दशहरा उत्सव बस्तर में मनाया जाता है। दशहरा उत्सव जगदलपुर बस्तर में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला है कुंभ मेला राजिम। कुंभ मेले का आयोजन राजिम में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी सही है। सी में है लाखाचौर सिरपुर। लाखाचौर मंदिर खरौद में स्थित है और वहीं यह उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में है खल्लारी उत्सव महासमुंद। खल्लारी उत्सव महासमुंद में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राजकीय उत्सव एवं स्थान सुमेलित है। ए भोरमदेव उत्सव राजनांदगांव। भोरमदेव उत्सव कबीरधाम जिले में मनाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है सिरपुर महोत्सव महासमुंद। सिरपुर महोत्सव सिरपुर में जो कि महासमुंद जिले के अंतर्गत स्थित है मनाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया है लोकमड़ई। लोकमड़ई बिलासपुर जिले में नहीं बल्कि राजनांदगांव जिले में मनाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन डी में दिया है रामगढ़ उत्सव। रामगढ़ उत्सव का आयोजन रामगढ़ की पहाड़ी में किया जाता है जो कि सरगुजा जिले में स्थित है, न कि रायगढ़ में, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरपुर महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है। स्टेटमेंट नंबर वन में बोला है राजिम में पंचमुखी महादेव का मंदिर है। राजिम में पंचमुखी महादेव का एक मंदिर है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर वन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर दो में बोला है राजिम में महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। राज्य में महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर दो भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर तीन में बोला है राज्य में राजीव लोचन मंदिर है जो कि एक विष्णु मंदिर है। राज्य में प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है जिसका निर्माण राजा विलासतुंग के द्वारा करवाया गया था जो कि एक विष्णु मंदिर है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर तीन भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर चार है राज्य में माघ पूर्णिमा में वृहद मेला लगता है। राजिम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर बृहद मेले का आयोजन किया जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट चार भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ए होली के अवसर पर, बी दिवाली के अवसर पर, सी दशहरा के अवसर पर और डी रामनवमी के अवसर पर। बस्तर में डंडारी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस पर्व में प्रचलित है। ए होली के अवसर पर, बी दीपावली में, सी राउत जाति में और डी नवरात्रि के समय। छत्तीसगढ़ में फाग गीत होली के अवसर पर गाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमेलित कीजिए। समारोह तथा उसके आयोजन स्थल को सुमेलित करना है। आ में दिया चक्रधर समारोह,
चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष राजा चक्रधर की स्मृति में रायगढ़ में आयोजित किया जाता है, इसीलिए अ का आ जाएगा चार। बी में है जाजल्यदेव महोत्सव। जाजल्यदेव महोत्सव जाजल्यपुर जो कि वर्तमान जांजगीर है में आयोजित किया जाता है, इसलिए बी का आ जाएगा पांच। सी में है गड़िया महोत्सव। गड़िया महोत्सव प्रतिवर्ष गड़िया पहाड़ जो कांकेर में स्थित है वहां मनाया जाता है, इसलिए स का आ जाएगा एक। डी में है तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव बलरामपुर में स्थित तातापानी नामक स्थल जो कि एक गर्म फव्वारे का स्रोत है वहां पे मनाया जाता है, इसीलिए द का आ जाएगा दो। तथा ई में है बिलासा महोत्सव। बिलासा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया जाता है, इसलिए ई का आ जाएगा तीन। हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दामाखेड़ा में मेले का आयोजन होता है, ए पुष पूर्णिमा में, बी मांग पूर्णिमा में, सी महाशिवरात्रि में और डी कार्तिक पूर्णिमा में। दामाखेड़ा में मांग पूर्णिमा के अवसर पर एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांग पूर्णिमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस पर्व के दौरान बच्चों के द्वारा गेड़ी चढ़ा जाता है, ए हरेली, बी कमरछठ, सी होली और डी गोवर्धन पूजा। दोस्तों राज्य में हरेली पर्व के दौरान बच्चों के द्वारा गेड़ी पर चढ़ा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरेली। कवर्धा जिले में आयोजित भोरमदेव महोत्सव की शुरुआत कब हुई, ए 1995 में, बी 2000 में, सी 2005 में और डी 2001 में। कवर्धा जिले में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध भोरमदेव महोत्सव की शुरुआत सन 1995 से प्रारंभ हुई है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995। किस प्रसिद्ध स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा में मेले का आयोजन किया जाता है, ए मल्हार में, बी कनकी में, सी खुटी घाट में और डी महादेव घाट में। महादेव घाट में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी महादेव घाट। बस्तर में रथ पर्व को क्या कहा जाता है, ए गोंचा पर्व, बी भगोरिया पर्व, सी नाचा पर्व। बस्तर में रथ पर्व को गोंचा पर्व कहा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिहावा का प्राणेश्वर मेला किस हिंदी माह में आयोजित किया जाता है, ए माघ माह में, बी फागुन माह में, सी सावन माह में और डी भादो माह में। सिहावा में प्राणेश्वर मेले का आयोजन माघ माह में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए माघ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है, ए पाली में, बी राजिम में, सी धमतरी में और डी डोंगरगढ़ में। कर्णेश्वर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष धमतरी जिले में किया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है, ए बम्लेश्वरी मेला, बी राजिम मेला, सी श्री नारायण मेला, डी नारायणपुर मेला और ई खल्लारी मेला। बम्लेश्वरी मेले का आयोजन नवरात्रि के दौरान डोंगरगढ़ में जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है किया जाता है। दूसरा राजिम मेले का आयोजन मांग पूर्णिमा के अवसर पर राजिम में किया जाता है। शिवरी नारायण का मेला शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में लगता है। नारायणपुर का मेला नारायणपुर जिला जो में लगता है जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मेला है। तथा ई में है खल्लारी मेला। खल्लारी मेले का आयोजन महासमुंद जिले में किया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है, ए नारायणपुर, बी जगदलपुर, सी कांकेर और डी चरामा। दोस्तों नारायणपुर में लगने वाला मेला विश्व प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति के अंतर्गत पर्व तथा महोत्सव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोक कला संस्कृति से संबंधित अन्य टॉपिक्स के भी एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।